दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बुलाई सर्वदलीय मीटिंग, दिल्ली में बढ़ते कोरोना संकट पर चर्चा। बैठक में शामिल हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड की होगी जरूरत, 1,00,000 हो जाएगी। 15 जुलाई तक 33,000 बेड की जरूरत, 2,25,000 केस होंगे, फैसला पलटने से पहले नहीं किया आंकलन। सिसोदिया ने कहा 31 जुलाई तक 80,000 बेड की होगी जरूरत, 5,50,000 तक पहुंच जाएगा आंकड़ा, व्यवस्था कैसे होगी कुछ पता नहीं। 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोरोना टेस्ट हो गया, सूत्रों के मुताबिक हालत स्थिर। आज शाम या फिर कल सुबह तक आ सकती है रिपोर्ट, सेल्फ आइसोलेशन में है सीएम केजरीवाल। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जताई चिंता, अगर बड़े पैमाने पर बाहर से आए लोग तो दिल्ली वालों का क्या होगा। सत्येंद्र जैन का आरोप, प्राइवेट अस्पताल बंद करने, फ्लाइट्स बंद करने में देर होने से दिल्ली में फैला कोरोना, गुजारिश के 15 दिन बाद केंद्र सरकार ने बंद की थी उड़ानें। सत्येंद्र जैन ने दी जानकारी, निजी अस्पतालों में कोरोना पीड़ितों की ज्यादातर बेड भर चुके हैं, कहा दिल्ली में आ रहे आधे से ज्यादा कोरोना केसों का स्रोत पता नहीं। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस, जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं सिर्फ उन कर्मचारियों को ऑफिस आने की इजाजत, कंटेनमेंट जोन के कर्मचारियों की सरकारी दफ्तर में न हो एंट्री, केंद्र ने दफ्तर आने पर लगाई रोक, सरकारी दफ्तर में एक साथ सिर्फ 20 कर्मचारियों को इजाजत, आमने सामने नहीं होगी कोई भी सीट। जयपुर का एक मकान बना कोरोना का गढ़, एक ही मकान में 26 लोग कोरोना पॉजिटिव, एक ही मकान में 26 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद घर के बाहर लगी एम्बुलेंस की कतार। गृहमंत्री अमित शाह तीसरी वर्चुअल रैली में ममता सरकार पर बरसे, पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना नहीं लागू करने का मुद्दा उठाया। अमित शाह ने ममता सरकार से मांगा 10 साल का हिसाब, कसातंश हिसाब देने में कही दीदी, राज्य में बम धमाके और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का आंकड़ा न बताने लगे। अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी को किया आगाह, कहा सीए का विरोध बहुत महंगा पड़ेगा, कोरोना संकट का जिक्र करते हुए बोले अमित शाह, मोदी 2 के 1 साल को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। मोदी 2 का 1 साल समाप्त हुआ है, मगर मोदी 2 को आइसोलेशन में नहीं देख सकते, 1 साल को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी किया वार, कहा जनधन खाते का उड़ाया था मजाक, कोरोना काल में वही खाते गरीबों के काम आए, सरकारी योजना का पैसा सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, 84 दिन से घर से बाहर नहीं निकले, जनता को ऐसे मत छोड़िए। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू का पलटवार, नीतीश जी घर बाहर जा सकते हैं लेकिन जेल में बंद लालू यादव को सौभाग्य नहीं। बीएसपी नेता मायावती का ट्वीट, यूपी में दलितों की हत्या और उन पर अत्याचार बेहद गंभीर मुद्दा। प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 15 दिन के अंदर गांव भेजने की व्यवस्था हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 24 घंटे के अंदर मुहैया कराई जाए और ट्रेनिंग, मजदूरों को योग्यता के मुताबिक अपने राज्य में मिले काम। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 9,987 कोरोना पीड़ित बढ़े, अब तक 2,66,000 से ज्यादा केस। देश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड मौत, 331 लोगों की गई जान, अब तक कोरोना से 7,466 लोगों की जा चुकी है जान। एनडीआरएफ के 49 जवान कोरोना पॉजिटिव, बंगाल में राहत बचाव कार्यों में लगी थी ड्यूटी। यूपी में एक दिन में कोरोना के 412 नए केस, कुल मरीजों का आंकड़ा 10,900 के पार। नोएडा में बीते 24 घंटे में 59 नए मामले सामने आए, कुल मरीजों की संख्या 699। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,500 से ज्यादा मामले बढ़े, 109 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 88,500 के पार, अब तक 3100 से ज्यादा लोगों की मौत। जयपुर में 24 घंटे में 34 नए मामले, राजस्थान में कुल संक्रमित 10,800 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1,000 नए मामले, 30,000 के करीब कुल आंकड़ा।
दिल्ली में बीते 24 घंटे में 17 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। अब तक 874 की वायरस ने ली जान। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। उरी सेक्टर के रिहायशी इलाकों पर दागे मोर्टार, कई घरों को नुकसान। केरन और आपू सेक्टर में भी पाकिस्तानी फौज ने तोड़ा सीज फायर। मुंह पर जवाब दे रही भारतीय फौज। अनंतनाग में आतंकवादियों ने सरपंच अजय पंडिता की हत्या की। सोमवार शाम को करीब 6 बजे करीब से मारी गोली। सरपंच अजय पंडिता के घर में पसरा मातम। लोक भवन पंचायत के सरपंच थे अजय पंडिता। द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली हत्या की जिम्मेदारी। सरपंच अजय पंडिता की हत्या से अनंतनाग में मातम। सुरक्षा बलों ने हत्यारों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने का केस दर्ज। हाईवे पर केक काटते नजर आए। हाईवे पर फर्से से केक काटते नजर आए पूर्व विधायक गुड्डू पंडित। बाद में सफाई में बोले, कुछ लड़के मना रहे थे जन्मदिन, उन्होंने पहचान कर रोक लिया। गुड्डू पंडित ने कहा, सासू मां की मौत की खबर पाकर नोएडा से बुलंदशहर जा रहा था, तभी हाईवे पर लड़कों ने रोका और केक काटने के लिए कहा। मेरा जन्मदिन 10 जुलाई को है। मैं नोएडा से निकल कर बुलंदशहर आ रहा था क्योंकि मेरी मदर लो एक्सपायर हो गई। मुरादाबाद में बीजेपी नेता उषा किरण ने पार्षद चुने जाने के बाद निकाला जुलूस। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ख्याल। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की अधूरी परीक्षा आज से शुरू। आज केमिस्ट्री का हुआ पेपर। कोरोना संकट से जूझते महाराष्ट्र की हैरान करने वाली तस्वीर। थाने में बेस्ट की बसों के लिए लगी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवाह दिखे लोग। सरकारी दफ्तर खुलने से बढ़े यात्री। बसों के लिए भीड़ जुटने पर बाद में लगाई गई कतार। यूपी के फतेहपुर में पुरानी रंजिश में चली गोली। जमशेदपुर में एक लड़की ने जुगाड़ तकनीक से बनाई पैर से चलने वाली आटा चक्की। इस मशीन से चावल दाल और मसाला भी पीसा जा सकता है। पैसे बांटने के बाद फिर चर्चा में पप्पू यादव। पटना में जरूरतमंदों की मदद के दौरान नहीं रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। मुरादाबाद में बार में सर्व किया जा रहा कॉफी और मॉकटेल जूस। शराब की अभी इजाजत नहीं। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 6 बदमाश हुए घायल, 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी। सूरत में रघुवीर टेक्सटाइल मार्केट की पहली मंजिल पर लगी आग, लाखों का नुकसान। थाने में एक सोसाइटी के बाहर मिला घायल हिरण। आपदा प्रबंधन की टीम ने किया रेस्क्यू। नोएडा में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर सख्ती। पुलिस ने काटे चालान। आला अफसरों ने सेक्टर 18 मार्केट का दौरा किया। गया में थाने के चौकीदार की गोली मारकर हत्या। कत्ल की वजह भी साफ नहीं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ट्रैफिक खोला गया, लोगों की दिक्कत कुछ कम हुई। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में लौटने लगी रौनक। ग्राहकों की तादाद में हुआ इजाफा। श्रीनगर में कुछ युवा कर रहे हैं कोरोना पीड़ितों की मदद। कोरोना के खतरे और लॉकडाउन के बाद भी मदद के लिए आ गया। मुरादाबाद में सनसनीखेज मर्डर। एक गर्भवती महिला को दूसरी महिला ने पिस्टल से मारी 4 गोलियां। पुलिस जांच में हुआ खुलासा, दोनों महिलाएं एक कारोबारी की थी पत्नी। पहली पत्नी ने अपनी सौतन को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने भेजा जेल। कानपुर में एक नाबालिग मुवक्किल ने वकील के खिलाफ दर्ज कराई रेप की शिकायत। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। जयपुर दिल्ली हाईवे पर कार सवार 2 युवकों की गोली मारकर हत्या। गैंगवॉर में मर्डर की आशंका। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एक कार्टन से युवती का शव बरामद हुआ। रस्सी से बंधे थे हाथ पैर। बस्ती में दबंगों ने एक परिवार को बेरहमी से पीटा। पुलिस कार्रवाई नहीं होने से 13 साल की बच्ची ने खाया जहर, हालत गंभीर। अकोला में 15 दिनों में 15 हत्याओं से सनसनी। लॉकडाउन के बाद चोरी और मामूली विवाद में हुई ज्यादातर वारदातें। दिल्ली पुलिस ने गांधीनगर में रहमान मर्डर केस सुलझाया। दोस्त ने कपड़ा काटने वाली मशीन से गला काटकर की थी हत्या। छिंदवाड़ा के मौलजर थाने में मलखाने से सरकारी पिस्तौल गायब, 2 सिपाही निलंबित। खंडवा कोर्ट में कोरोना की एंट्री, 2 जज मिले कोरोना पॉजिटिव। पुणे में सैलून कर्मचारियों का प्रदर्शन। सरकार से सैलून खोलने और आर्थिक मदद की मांग। शाहजहांपुर में सरकारी एम्बुलेंस कर्मियों और निजी अस्पतालों के गठजोड़ का खुलासा। गर्भवती महिला को डिलीवरी के बाद पैसे के लिए बना बंधक। रांची में कपड़ों की बड़ी फैक्ट्री ओरिएंट क्राफ्ट के बाहर सैकड़ों कर्मचारियों का प्रदर्शन। लॉकडाउन में ऑर्डर रद्द होने के बाद मालिक का नौकरी पर रखने से इनकार। कैमूर से प्रवासी मजदूर फिर काम पर तलाश, काम की तलाश के लिए चले परदेश। बिहार में काम नहीं मिलने से लौटने को मजबूर।
काम की तलाश में प्रवासी मजदूर फिर चले पंजाब, मालिकों ने लखीमपुर में भेजी बस। फर्जी दस्तावेजों पर कई जगहों पर नौकरी करने वाली अनामिका शुक्ला के खिलाफ सहारनपुर में भी केस दर्ज। यहां के स्कूल में भी 1 लाख से ज्यादा का ले चुकी है वेतन। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार को लेकर बवाल, पुलिस ने गांव वालों पर भांजी लाठियां। बैतूल के बाजारों में मास्क नहीं पहनने पर काटे गए चालान, कई दुकानदारों पर भी नियम तोड़ने पर की गई कार्रवाई। पटना रेलवे स्टेशन पर मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री के लिए ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन लगाई गई, मुसाफिरों को मिली मदद। गुवाहाटी में भी मॉल और बाजार खुले, सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से हो रहा है पालन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।